नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मैं चैनल सुपर अपडेट्स में। दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे दंगल और सुल्तान फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना। सबसे पहले जानते हैं सुल्तान फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। सुल्तान सन 2016 में आई एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी। इसमें सलमान खान, अनुष्का शर्मा, रणदीप हुड्डा, अमित शाह, अनंत विद्यार्थ शर्मा और कुमुद मिश्रा नजर आए थे। इस फिल्म को अली अब्बास जफर ने डायरेक्ट किया था और इसकी कहानी भी उन्होंने लिखी थी और इस फिल्म को आदित्य चोपड़ा ने प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म को 4,350 स्क्रीन्स के साथ 6 जुलाई सन 2016 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 80 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 301 करोड़ का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 36 करोड़ 54 लाख का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 229 करोड़ 16 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं अगर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 608 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 7 रेटिंग मिले और ये फिल्म उस साल की दूसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक विशाल शेखर ने दिए थे और इसके लिरिक्स इरशाद कमील ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 7 गाने थे और सभी गाने सुपरहिट रहे थे। इस फिल्म के 2 गाने, पहले जग घूमिया और दूसरा बेबी को बेस पसंद है, ये 2 गाने बहुत ज्यादा पॉपुलर रहे थे। वहीं बात करें अवार्ड्स की तो इस फिल्म के नेहा भसीन को जग घूमिया वाले गाने के लिए बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड और जी सिने अवार्ड मिला था। तो सलमान खान को बेस्ट एक्टर व्यूअर्स चॉइस का जी सिने अवार्ड मिला था तो अनुष्का शर्मा को बेस्ट एक्ट्रेस व्यूअर्स चॉइस का जी सिने अवार्ड मिला था। तो चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, रणदीप हुड्डा से पहले इस फिल्म में कोच के रोल के लिए संजय दत्त को लिया जाने वाला था पर कुछ कारण से उन्हें नहीं लिया गया था। नंबर 2, शाहरुख खान की रईस सबसे पहले सलमान खान की फिल्म सुल्तान के साथ क्लैश होने वाली थी पर कुछ कारण से फिर रईस की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया था। नंबर 3, सलमान खान ने इस फिल्म के लिए 18 किलो का वजन बढ़ाया था। अब जानते हैं दंगल फिल्म के बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। दंगल सन 2016 में आई एक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी। इस फिल्म में आमिर खान, साक्षी तंवर, फतिमा सना शेख, सानिया मल्होत्रा, जायरा वसीम, अपार शक्ति खुराना, सुहानी भटनागर और गिरीश कुलकर्णी नजर आए थे। इस फिल्म को नीतीश तिवारी ने डायरेक्ट किया था और इसे प्रोड्यूस किया था आमिर खान, किरण राव और सिद्धार्थ राव कपूर ने। और इस फिल्म को 4,250 स्क्रीन्स के साथ 23 दिसंबर 2016 में रिलीज किया गया था। अगर बात करें बजट की तो इस फिल्म का बजट 70 करोड़ था और इस फिल्म ने इंडिया में 387 करोड़ का कलेक्शन किया था। आपको बता दूं कि इस फिल्म ने अपने पहले दिन में 29 करोड़ 78 लाख का कलेक्शन किया था तो अपने पहले हफ्ते में 197 करोड़ 54 लाख का कलेक्शन किया था। वहीं अगर चाइना के कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने चाइना में 1,306 करोड़ का कलेक्शन किया था। वहीं इस फिल्म के टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म ने 2,122 करोड़ का कलेक्शन किया था और ये फिल्म ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी। अगर बात करें इस फिल्म के आईएमडीबी रेटिंग की तो इस फिल्म को 8.4 रेटिंग मिले और ये फिल्म उस साल की नंबर 1 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म रही थी। वहीं बात करें म्यूजिक की तो इस फिल्म के लिए म्यूजिक प्रीतम ने दिए थे और इसके लिरिक्स अमिताभ भट्टाचार्य ने लिखे थे। इस फिल्म में कुल 5 गाने थे और सभी गाने सुपरहिट रहे थे। वहीं बात करें अवार्ड्स की तो इस फिल्म के लिए आमिर खान को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था तो नीतीश तिवारी को बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला था और साथ ही इस फिल्म को बेस्ट फिल्म और बेस्ट एक्शन का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। चलिए फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। नंबर 1, इस फिल्म के लिए आमिर खान ने 28 किलो का वजन बढ़ाया था और सिर्फ एक सीन की शूटिंग के लिए उन्होंने 25 किलो का वजन घटाया भी था और अच्छी बॉडी भी बनाई थी। नंबर 2, इस फिल्म की कहानी महावीर सिंह फोगाट के जीवन पर आधारित थी। नंबर 3, इस फिल्म को उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड में टैक्स फ्री कर दिया गया था। नंबर 4, इस फिल्म के लिए मल्लिका शेरावत ने भी ऑडिशन दिया था क्योंकि वे इस फिल्म में काम करने के लिए काफी इच्छुक थी पर फिल्म मेकर्स ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया था। नंबर 5, इस फिल्म को तमिल और तेलुगु में भी रिलीज किया गया था जिसका टाइटल युद्धम रखा गया था। तो दोस्तों इन दोनों फिल्मों में से आपको कौन सी फिल्म ज्यादा पसंद आई थी और आप इन दोनों फिल्मों को 5 में से कितनी रेटिंग देना चाहोगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी बॉक्स ऑफिस के कलेक्शन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ना भूलें ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।